टेक्निकल जो से हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस कीजिए सब्सक्राइब अलर्ट कलर के बटन को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल जो से हिंदी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस, जिसे हम सीडी डीवीडी राइटर भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना गप गवाए शुरू किया जाए। तो दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव का काम होता है किसी भी प्रकार के सीडी डीवीडी मीडिया को राइट करना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं जनरेशन ऑफ ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। तो दोस्तों, सबसे पहले डिवाइस वो थी सीडी रोम, जिसका कार्य होता था सीडी को केवल रीड करना, उसका डेटा रीड करना होने। और दोस्तों, इसके बाद फिर आए दोस्तों CDRW, जिसका पूरा नाम होता है सीडी री राइडेबल, इसका कार्य होता था दोस्तों यूज फॉर रीड एंड राइट, मतलब कि इसका कार्य आप रीड और राइट के लिए दोनों के लिए कर सकते थे। और इसके बाद दोस्तों जो आया हुआ था डीवीडी रोम एंड सीडी एंड डीवीडी रोम, जिसको आप दोनों के लिए सीडी एंड डीवीडी को रीड कर सकते थे इसके द्वारा। और दोस्तों इसके बाद वो आया कॉम्बो ड्राइव, जिसका कार्य होता था सीडी को रीड एंड राइट और डीवीडी को केवल रीड करना। तो दोस्तों अब जो चल रहा है वो चल रहा है DVD-RW ड्राइव, जिसका कार्य होता है CD एंड DVD को रीड एंड राइट करना। और दोस्तों अब जान लेते हैं टाइप ऑफ ऑप्टिकल ड्राइव। दोस्तों टाइप ऑफ ऑप्टिकल ड्राइव को दो प्रकार के वर्गों में बांटा गया है, एक तो शेप यानी आकार के आधार पर और दूसरा कनेक्टिविटी के आधार पर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आकार के आधार पर। दोस्तों आकार के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, लैपटॉप ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव एंड पोर्टेबल ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। अब दोस्तों जो दूसरा है कनेक्टिविटी के आधार पर, तो दोस्तों ये दो प्रकार के आते हैं, इंटरनल ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव एंड एक्सटर्नल ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। दोस्तों इंटरनल कनेक्टिविटी में आपको इसको IDE या SATA केबल के जरिए आप अपने CPU में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल में दोस्तों आपको USB पोर्ट के द्वारा आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अब जान लेते हैं हम इंटरनल पार्ट ऑफ ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होती है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं। दोस्तों सबसे पहले आ जाता है लॉजिक कार्ड, इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? तो इसका कार्य होता है दोस्तों पूरी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में वोल्टेज को इनपुट करना और डाटा का भी इनपुट आउटपुट करवाना होता है। दोस्तों अब जो सेकंड होता है वो होता है ऑप्टिकल लेंस, इसका कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका कार्य होता है सीडी डीवीडी मीडिया का डेटा रीड एंड राइट करना। दोस्तों ये लेजर बीम टेक्नोलॉजी के द्वारा कार्य करता है, आपने कभी देखा भी होगा कि एक लेजर लाइट टाइप की जलती है जब भी आप सीडी या डीवीडी अपने सीडी डीवीडी राइटर में लगाते हैं। इसके बाद जो आता है वो होता है ट्रे मोटर, इसका कार्य होता है दोस्तों ट्रे को अंदर बाहर करना, जब भी आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो इसके वजह से ट्रे बाहर आती है सीडी डीवीडी राइटर की और अंदर भी जाती है। अब दोस्तों इसके बाद आता है स्पिंडल मोटर, इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? इसका कार्य होता है दोस्तों सीडी डीवीडी को रोटेट कराना, मतलब कि जब वो सीडी डीवीडी में राइट करती है मतलब कि घूमते हैं तो उसको घुमाना ही इस स्पिंडल मोटर का कार्य होता है। अब दोस्तों इसके बाद जो आता है वो आता है स्टेपर मोटर, इसका कार्य क्या होता है? दोस्तों इसका कार्य होता है वो लेंस को आगे पीछे करना, क्योंकि लेंस आपके सीडी डीवीडी ड्राइव को राइट करता है एंड रीड करता है, इसको ऑप्टिकल लेंस बोलते हैं। तो उसको आगे पीछे करना जिससे वो पूरा डेटा डीवीडी एंड सीडी का पढ़ सके। अब दोस्तों इसके बाद आता है फ्लेक्स केबल, दोस्तों इसका कार्य होता है ऑप्टिकल लेंस और लॉजिक कार्ड के बीच डेटा का सिंकिंग करना या डेटा का आदान प्रदान करना, जिससे अच्छी तरह से राइट कर सकते और हमें हमारे CPU के द्वारा मॉनिटर पर आउटपुट दे सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आई होगी वीडियो पसंद, तो जल्दी से कर दो लाइक, अगर हो ना हमारे चैनल पर करना मत भूलना सब्सक्राइब। नमस्ते दोस्तों।